पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई। घटना साउथ कोलकाता के मेट्रियल ब्रिज की है। अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मलबे में कई और लोगों के दबने की आशंका है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय बिल्डिंग खाली थी। इसके बगल में झुग्गी बस्तियां हैं जिन पर बिल्डिंग गिर गई। लोगों की तलाश के लिए गैस कैंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर सर्विसेज की टीम मौके पर मौजूद हैं। कई एम्बुलेंस भी तैनात हैं। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का इलाका भगदड़ वाला है, इसलिए सर्च ऑपरेशन में सावधानी बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो बिल्डिंग गिरी है वहां पिछले 6 महीने से निर्माण का कार्य चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोलकाता नगर निगम और पुलिस की अनुमति के बिना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। घटना को लेकर भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने हादसे की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मेट्रियल ब्रिज स्थित गार्डन रिच एरिया में हजारी मुल्ला बागान में अवैध रूप से निर्मित एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। ये क्षेत्र कोलकाता के मेयर और नगरपालिका मामलों के मंत्री का गढ़ है। स्थानीय लोगों के अनुसार इमारत गिरने से पहले कंक्रीट के टुकड़े गिर रहे थे। इमारत ढहते ही तेज आवाज हुई और धूल से घना बादल इलाके में छा गया। बताया जा रहा है कि मलबा घना आबादी वाले इलाके के आसपास झोपड़ियों में गिरा है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हालांकि निर्माणाधीन इमारत में कोई नहीं रहता था, लेकिन बगल में झुग्गियां थी। हमें डर है कि मलबे के नीचे अभी कई लोग फंसे हो सकते हैं। बंगाल फायर मिशन और आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक अब तक इमारत से 14 लोगों को बचाया जा चुका है। कुछ के घायल होने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल घटनास्थल पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान अभी चल रहा है, जो मलबे में फंसे हो सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।